पंडित जी, जो पितृपक्ष की कथा है, मैं चाहती हूँ आज आप दर्शकों को वो बताइए। देखिए, ऐसा है, सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा, यहाँ एक छोटी सी कथा है। कहते हैं कि श्राद्ध की परंपरा की शुरुआत कथा के मुताबिक कर्ण की मृत्यु के बाद उनकी आत्मा को स्वर्ग पहुँचाने के लिए, जहाँ उन्हें खाने के लिए सोना के गहने दिए गए, कर्ण को कुछ समझ नहीं आया और उन्होंने देवता इंद्र से पूछा कि उन्हें भोजन की जगह सोना क्यों दिया गया। इंद्र ने कहा कि कर्ण ने हमेशा सोना ही दान किया है, लेकिन अपने पितरों को खाना नहीं खिलाया है। आपने सुना भी होगा कि कर्ण कोई ऐसा दिन नहीं होता था जिस दिन सुवर्ण दान न करता हो। तो इसके बाद कर्ण को पृथ्वी पर 16 दिनों के लिए भेजा गया, जहां उन्होंने अपने पितरों के लिए और पितरों के मोक्ष के लिए श्राद्ध किया। मान्यता है कि तभी से पितृपक्ष के 16 दिनों में श्राद्ध करने की परंपरा चली आ रही है। देखिए, ऐसा है कि पितर सोना चांदी से संतुष्ट नहीं होते हैं। सोना चांदी का दान करने से ब्राह्मण संतुष्ट होता है और उसके आशीर्वाद से आपको पितरों की सद्गति मिलती है। लेकिन पितरों को अगर आप संतुष्ट करना चाहते हैं तो हमारे समझ से आपके पास 3 चीज़ अवश्य होनी चाहिए। एक तो जौ का आटा, एक चावल का आटा और एक काले तिल का आटा। इन तीनों में थोड़ा थोड़ा सा गाय का घी, थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा खोया और इत्र, ये मिला करके गोलाकार पिंड बनाना चाहिए और ये पिंड सतोगुणी भगवान विष्णु को, रजोगुणी भगवान ब्रह्मा को और तमोगुणी भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए। इससे सात्विक, राजस, तामस तीनों प्रकार के पितरों को मुक्ति मिलती है। चाहे आप त्रिपिंडी श्राद्ध करें, चाहे आप नारायण बलि करें, चाहे आप गया श्राद्ध करें, इस तरह से ही पिंडदान का शास्त्रों में महत्व वर्णित किया गया है। तो ये 3 चीज़ें श्राद्ध में बहुत आवश्यक हैं और इनको शुद्धता के साथ ग्रहण करके और इनका श्राद्ध में प्रयोग जरूर करना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। तो पंडित जी से आज बहुत ही खास चर्चा हमारी जारी है पितृपक्ष को लेकर। पंडित जी, ये तो आपने बताया सामग्री क्या क्या होनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो हम सामग्री पितरों को चढ़ा रहे हैं भोग के स्वरूप, तो वो कैसे उन तक पहुंचती है? ये कुछ लोग कहते हैं कि वो खाते तो है नहीं। अब देखो, सही बात ऐसा है कि जब मैं लगभग 18-19 साल का था, हमारे घर के पास एक सूर्यावां रेलवे स्टेशन है और पितृपक्ष का समय था। बात बड़ी नाजुक है लेकिन बता देता हूँ, क्योंकि सच्ची बात है, मेरे जीवन की घटी बात है। तो एक आदमी था जो बैठ करके भाषण दे रहा था कि ब्राह्मणों ने अपना पेट भरने के लिए ये मरने के बाद मतलब कि श्राद्ध का विधान बना दिया है, कोई पानी वानी नहीं पहुँचता है, यहाँ से हम किसी को पानी देंगे तो मतलब भगवान के यहाँ कैसे पानी पहुँच जाएगा, कैसे अन्न पहुँच जाएगा, कैसे दान पहुँच जाएगा, कैसे क्या पहुँच जाएगा, इसी तरह की बातें बोल रहा था और उसकी बातों को 4-6 लोग सुन करके हाँ में हाँ मिला रहे थे। मैंने उससे पूछा कि आपके पिताजी का क्या नाम है, तो उसने बताया। हमने कहा आपके पिताजी जीवित हैं? बोला नहीं। तो हमने उनके पिताजी को गाली दे दिया। जब हमने गाली दिया तो उत्तेजित हो गए। हमने कहा बताइए, आपके पिताजी तो मर चुके हैं। कहे ना। हम कहा तो उनको गाली कैसे पहुंच गई? अगर आप गाली नहीं पहुंची तो आप उत्तेजित कैसे हुए? उनको गाली पहुंची तभी तो आप उत्तेजित हुए। वो चुप हो गए। हम कहा इसी तरह से श्रद्धा श्राद्ध से किया जाता है और पितरों को भी वो इसी तरह से पहुँचता है। जैसे हमारी बाड़ी पहुँच गई, उसी तरह से सारी वस्तुएं भी पहुंचती हैं पितरों को। ये श्रद्धा का विषय है। श्राद्ध का नाम ही श्रद्धा है, श्राद्ध का नाम ही श्रद्धा है। और हमारे सनातन धर्म में भगवान कुछ खाते नहीं हैं, लेकिन जब हम उन्हें कोई वस्तु श्रद्धा से समर्पित करते हैं तब हम यह मान लेते हैं कि हमारे प्रभु को वो चीज़ प्राप्त हो गई। सही बात है। उसमें से एक अन्न खाने के लिए भगवान नहीं आते हैं। और भगवान ने जब जब अवतार लिया है
जब जब उन्होंने शरीर धारण किया है तो उन्होंने दिखाया है कि मैं भक्तों के प्रेम का भूखा हूँ, वस्तु का भूखा नहीं हूँ। इसीलिए वो सबरी के जूठे बैर खा लेते हैं, इसीलिए वो विदुरानी के केले के छिलके खा लेते हैं और दुर्योधन के 56 प्रकार को लात मार देते हैं। मतलब वो श्रद्धा और भक्ति भाव को देख करके ही वस्तु स्वीकार करते हैं, ताकि इसका एक विषय, एक अनुकरणीय विषय सनातन धर्म के इतिहास में प्रतिष्ठित हो सके। आप तो ये श्रद्धा श्राद्ध का विषय, भक्ति को नहीं भाव को ज्यादा, भाव को, हाँ भाव ही विद्यते देव, भाव में ही देवता विद्यमान है। और एक बात जान लो विपनेश, एक बहुत बड़े ऋषि हुए कर्दम ऋषि, उन्होंने 10,000 वर्ष तक भगवान विष्णु की तपस्या की। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए, बोले वरदान मांग लो। तो उन्होंने कहा प्रभु, दुनिया दूसरा कुछ वरदान मांगती है, लेकिन मैं आपसे ये वरदान मांगता हूँ कि आप मेरे योग्य एक धर्म भार्या दे दीजिए। अभी आपने नहीं सुना होगा कि पत्नी के लिए कोई 10,000 वर्ष तक तपस्या करे। तो भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, एवं अस्तु, मनु की पुत्री देवहूति आपके योग्य है। और आज के तीसरे दिन मनु महाराज अपनी पत्नी के साथ स्वयं आप तक आएंगे, शत्रुपा के साथ, और देवहूति के लिए रिश्ता मांगेंगे और देवहूति का आपसे पाणी ग्रहण होगा। आपने एक वरदान मांगा है, मैं दूसरा वरदान आपको स्वयं दे रहा हूँ। मैं स्वयं नारायण आपके अंश से, देवहूति के गर्भ से प्रकट होऊंगा और इस समाज को धर्मशास्त्र का उपदेश करूंगा। तो देवहूति को 9 कन्याएं हुई। पहले देवहूति को 9 कन्याएं हुई, 9 कन्याओं के बाद एक पुत्र रत्न पैदा हुआ जिसका नाम नारायण कपिल, भगवान का ही अवतार कपिल भगवान ही हैं, नारायण के ही अवतार हैं कपिल भगवान, वो हुए। उन्होंने तमाम भक्ति से, ज्ञान योग से, सांख्य योग से जुड़े तमाम बातों पर अपनी माता देवहूति को सारी चर्चाएं की हैं। मनुष्य के अधोगति का वर्णन किया है, ऊर्ध्वगति का वर्णन किया है, मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करनी है, क्या नहीं करनी है, ये सब तीसरे स्कंद की कथा है और श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे स्कंद की कथा है। तो कहने का मतलब ये है कि श्राद्ध जो है वो हमारे यहाँ परंपरा, जब से मतलब कि सृष्टि बनी है तब से श्राद्ध करने का विधान है। भगवान राम ने भी श्राद्ध गया में जाके किया है, सीता जी ने पहले श्राद्ध कर दिया, और सीता जी ने जब राम जी से कहा कि मैंने श्राद्ध किया है, तो राम जी ने कहा इसका साक्ष्य क्या है, तो बोले ये गाय साक्ष्य है, ये गाय साक्ष्य है और ये फाल्गु नदी साक्ष्य है। तो फाल्गु नदी से पूछा कि सीता ने श्राद्ध किया, तो फाल्गु नदी ने सोचा करे तब तो राम जी नहीं करेंगे, इसलिए राम जी से करवाना चाहिए। फाल्गु नदी ने कहा नहीं किया। गाय से पूछा कि किया श्राद्ध, गाय सोची कि राम जी के हाथ से कुछ खाने को मिलेगा और सीता जी का कह दूंगी श्राद्ध हुआ है तो ये करेंगे नहीं, नहीं किया सीता जी ने, नहीं किया जी। सीता जी ने दोनों को श्राप दे दिया, गाय को भी फाल्गु नदी को भी। फाल्गु नदी को श्राप दिया कि जाओ तुम सूख जाओ और सदा सूखी रहोगी, कभी तुम्हारे ऊपर जल नहीं रहेगा, जब तुम्हारी खुदाई होगी तभी जल निकलेगा। और गाय को श्राप दे दिया कि जाओ तुम कलयुग में विष्ठापान करो। तभी से गायें जो है विष्ठापान करती हैं, गायें विष्ठा खाती हैं और फाल्गु नदी सूखी पड़ी रहती हैं। जब कोई गया श्राद्ध करने जाता है तो 5-6 इंच तक बालू हटाता है तो वहाँ जल आ जाता है और उसी जल से श्राद्ध किया जाता है। फाल्गु नदी बिहार के गया में है जी, 4-5 अंगुल ही केवल बालू हटाने पर वहाँ जल आ जाता है, लेकिन वैसे आप देखेंगे तो पूरी नदी आपको सूखी लगती है, बालू का रेत लगता है, लेकिन जहाँ आप 5-6 इंच हटाएंगे वहाँ आपको पानी मिल जाएगा। ये सीता जी का श्राप था, ऐसी कथा है जी। तो कहने का मतलब जो है, श्राद्ध जो है, पूर्वज अगर देव योनि में हैं तो श्राद्ध के समय दिया गया अन्न उनको अमृत के रूप में प्राप्त होता है। अगर मनुष्य योनि में, मान लो आपके पिता आके कहीं पैदा हो गए